झांसी में बुधवार की देर रात चिरगांव थाना क्षेत्र के छिरौना पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक सिंगल बैरल बंदूक और एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है और पहले से भी कई गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। आज पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि सर एसएसपी सर के निर्देश हैं कि चेकिंग हो, आज उसी तरह चेकिंग हो रही थी। यहाँ पर एसएचओ चिरगांव अपनी फोर्स चेकिंग कर रहे थे तो सामने से नदी की तरफ से मोड़ से ला करते दिखाई दिए, तो क्योंकि चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग हाथ दिए रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने और मोड़ से तेज कर दिया, फिसल गए और गैस जैसे ही फिसले एक बदमाश ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। सर इसमें कितने लोग थे? दो लोग हैं तो फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी फिर अपने आत्मरक्षार्थ और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया, जिसमें एक बदमाश गोली लगी और एक को गिरफ्तार किया। जब उनसे जानकारी गई दोनों का नाम जो है, एक का रोहित राजपूत है, दूसरे का नाम अमित है। ये रोहित राजपूत जो है हमारे मुकदमे वांटेड है, इसके पास से बरामद है, अभी आप देख रहे हैं कि एक तमंचे बरामद है, एक सिंगल बैरल की बंदूक बरामद है। ये एचएसबी थाने का आपराधिक इतिहास भी है। इनको अस्पताल भेज दिया गया मेडिकल रेडर्स के लिए और कार्रवाई की जा रही है। झांसी से हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, कल देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। इसमें हत्या के आरोप पे ये लोग लंबे वक्त से बांके चल रहे थे। इसमें रोहित राजपूत के पैर में गोली लगी है और अमित अहिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहित राजपूत का आरोप है कि इसके ऊपर इसने एक व्यक्ति के साथ में उसको हत्या करने की कोशिश की थी। उसके बाद मुकदमा दर्ज था और पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। चिरगांव पुलिस कल जब रात को गश्त पर थी तभी दो बदमाश दिखाई दिए एक बाइक पे आते हुए, इनको रोकने की कोशिश की गई तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर शुरू कर दिया। थाना अध्यक्ष संजय गुप्ता ने तुरंत अपने कारतूस का जवाबी फायरिंग की, जिसमें रोहित राजपूत के बाएं पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल को तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, यहाँ उसका इलाज अभी जारी है। उसके साथ ही जो दूसरा साथी इनका है वो उसने भागने की कोशिश की अमित अहिरवार ने, जिसको पुलिस ने दौड़कर पकड़ ली। जी कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।